राउटर कौन सा लेगा हूँ? पहुंच गए, हाथ आ रहा है सामने, देखिए आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी एक फ्रीडम फाइटर है, या जो नहीं भी है तो बन सकता है। ये जो इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जो एक मैसेज दिया गया है, मैं समझता हूँ अपने आप में उन पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा मैसेज है। आप जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई ये कहीं दरवाज़ा बंद कर देने से क्या होता है, सांस घुट सकती है, उसका जो है तो सफोकेशन हो सकता है और उसके बाद में बच्चे की जान जा सकती है। तो ऐसे में अगर कोई इतना बड़ा मैसेज दे रहा है आपको, इतना बड़ा मैसेज दे रहा है आपको, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो बिना सोचे समझे कहीं भी खेल कूद के चक्कर में कहीं भी बंद हो जाते हैं, कोई कार में बंद हो जाता है, कोई दरवाजे में बंद हो जाता है, कोई रूम में बंद हो जाता, तो वो बंद तो हो जाते बच्चे, लेकिन उनको इतना सेंस, इतना मैनर्स नहीं होता कि अब इसको लॉक हो गए दरवाज़ा तो उसको हम कैसे ओपन करें। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार? इसमें बस मेरा किरदार यही है कि मैं एक प्रमोशन के लिए आया हूं और एक मैं भी आज एक फ्रीडम फाइटर बनकर के आया हूं उन लोगों को मैसेज देने के लिए कि अपने बच्चों को, जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पर ध्यान रखें। और इस तरह से बच्चा जो ज़्यादातर बच्चों की मौत होती है ऐसे जाने अनजाने में हो जाती है, माँ बाप फ्री छोड़ देते हैं बच्चों को और बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको उतना मैनर्स, उतना सेंस नहीं होता है, तो बच्चे ऐसे ही हरकत कर बैठते हैं। तो यही चक्कर में लोगों का क्या होता है कि बच्चों की जान चली जाती है। तो मैं चाहूँगा कि उन माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए एक मैसेज है कि जो भी करे सोच समझ कर करे, और ये जो डॉक्यूमेंट्री है इससे कुछ सीखे और इसको आगे शेयर करे और लोगों को बताए कि एक छोटी सी बच्चे की मासूमियत बोलो या नादानी बोलो या उसकी हरकत बोलो, वो उसकी जान ले सकती है। यही मैसेज उसके अंदर है इस फिल्म में, और हर इंसान फ्रीडम फाइटर बन सकता है अगर देश के लिए ज़रा सा भी अच्छा सोच ले। कोई अगर कचरा उठाकर, रास्ते का कचरा उठाकर भी अगर फेंक देता है तो वो भी एक फ्रीडम फाइटर का ही काम होता है। क्या रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है अरिफ भाई? एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, पुकार किसान की, जो आधी फिल्म कंप्लीट है, जो किसान भाइयों को आत्महत्याओं से रोकने का प्रयास किया है, और दूसरी जो फिल्म है मेरी फेंकता है साला, इट्स ऑल अबाउट इट्स स्ट्रगलर्स, हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाएंगे, और तीसरी फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा अच्छा मैसेज है। तो उस फिल्म में मैंने बेटियों को पढ़ाने का प्रयास करे अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, उस फिल्म के माध्यम से एक ये दिया है कि लड़की कितनी भी खूबसूरत हो अगर वो अनपढ़ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आज के दौर में, और लड़की अगर सांवली सी भी है, मतलब कम खूबसूरत है, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसकी, उसका जो टैलेंट होता है, उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसकी खूबसूरती बढ़ा देती है। तो उसका नाम रखा मैंने फॉल इन लव, फॉल इन लव ये टाइटल है और सब टाइटल है अनपढ़ लड़की के प्यार में पड़ गया रे। तो इसको स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन मैंने किया है, और ये तीन फिल्में मेरी है, और एक बनाया है मैंने मिस्टर इंडिया का स्वच्छ इंडिया, मिस्टर इंडिया का स्वच्छ इंडिया, मतलब ये समझ लो कि हमारे देश को स्वच्छ रखने का प्रयास करे इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद में। उसमें मैं मिस्टर इंडिया बना हूँ और मेरे साथ स्कूली बच्चे हैं, और जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूली बच्चे और मैं मिलकर के पूरे देश में जो थूक रहा है, जो पान थूक रहा है, जो गुटखा थूक रहा है, जो पब्लिक प्लेस पर जो है तो सिगरेट जला रहा है, और जो गाड़ियाँ चलती है उसका जो क्या बोलना सर,
क्या बोलना चाहिए, जो धुआं छोड़ते हैं, जिस धुएं से पोल्यूशन पैदा होता है, तो ऐसे इसको इन लोगों को मैसेज है उस सब्जेक्ट में, उसका नाम है मिस्टर इंडिया का स्वच्छ इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिर्फ जगह क्यों इतना समय है मनीष आपको यार, सिर का ट्रैफिक झंडा लेके हिलाते हैं सर आप। हरी भाई आप हाथ में लो ना। ये अच्छा, मैं 15 अगस्त के लिए कोई मैसेज दे दूँ कि आप, एक गाना लिखा है मैंने। हाँ, 15 अगस्त के लिए एक गाना लिखा है, वो थोड़ा झंडे के ऊपर। क्या कहना चाहिए 15 अगस्त के बारे में, कैसे सेलिब्रेशन करेंगे यार भाई? 15 अगस्त के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने एक गाना लिखा है 15 अगस्त के लिए, सभी धर्मों के लिए। इस गाने में सर्वधर्म समभाव वाली बात है और देश को जोड़ने वाली बात है, तो वो गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ। आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा, आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा, 15 अगस्त है बड़ा त्यौहार हमारा, 15 अगस्त है बड़ा त्यौहार हमारा। हिंदू थे मुसलमान थे सिख ईसाई, हिंदू थे मुसलमान थे सिख ईसाई, जय हिंद की आवाज़ सब ने मिल के उठाई, यूं कामयाब हो गया जय हिंद का नारा, यूँ कामयाब हो गया जय हिंद का नारा। 15 अगस्त है बड़ा त्यौहार हमारा, त्यौहार हमारा, त्यौहार हमारा, जय हिंद। क्योंकि तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ इंडियंस लोगों, बोले तो सर से पांव तलाक, 15 अगस्त ही 15 अगस्त है, बोले तो जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू जी। और कैसे आप, अच्छी तरह से समझता हूँ, सर से पांव तलाक, ज्योतिष क्या बोलते हैं, ज्योतिष दुनिया, ज्योतिष दुनिया, बोला था एकदम छकास। हाँ दोस्तों, देख रहा हूँ कि आज आप लोग बहुत खुश है और आज आप सभी को खुश देखते हुए आज की इस रंगीन महफिल को, यानी कि छोटी सी महफिल को और मासूम बच्चों की महफिल को देख करके इतना ही कहूंगा, मेरे दिल से लिखी बात आप सभी के लिए, मेरे दिल की बात अगर आपके दिल को छू ले तो जोरदार तालियां बजाना मेरी बात पूरी होने के बाद, मेरी बात पूरी होने के बाद। अरे दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का आप सभी के लिए। अरे दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का, कभी मरता नहीं कलाकार, कभी मरता नहीं, जिंदा लपाया जाता है और जब भी उसकी कब्र खोदो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। ऐसी तालियां अगर बजते रहेंगी तो यूं समझ लो, ऐसी तालियां बजते रहेंगी तो मैं माइक ही नहीं छोड़ूंगा, हेवी कोट की तरह मैं इस माइक से चिपक जाऊंगा, फिर पता चला किसी को माइक ही नहीं दूंगा मैं, समझा लो। और आज जो मैसेज दे रहे हम जा रहे हैं, हमारे सोहेल फिदाई साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका मैसेज यही है कि आप लोग जब फ्रीडम से रिलेटेड है, वैसे तो हर इंसान, हर हिंदुस्तानी वैसे फ्रीडम फाइटर है, अगर कोई कचरा उठाकर फेंक देता है वो भी एक फ्रीडम फाइटर के काम होता है, मतलब उसके लिए भी कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म के माध्यम से हम जो बताने जा रहे हैं उसको देखो, समझो, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, पूरे हिंदुस्तानियों तक के ये बात पहुंचना चाहिए। उस फिल्म को पहले देखना आपने और उससे ये देखना कि हम अनजाने में क्या कर रहे थे, हम खेलते खेलते कोई भी चीज को भूल जाते हैं, कई बच्चे खाना भूल जाते हैं, कई बच्चे होमवर्क भूल जाते हैं, क्योंकि खेल चीज ही ऐसी है, बचपन में मैं भी ऐसे करता था। लेकिन आप लोगों को ये सोचना है, समझना है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो
तो वो उस पर फोकस रख करके चारों तरफ देख करके काम करे और अपने आप को इतने अनजाने व्यक्ति की तरह, अनजाने बच्चे की तरह, मतलब किसी भी काम में ना घुसा दे। मतलब सामने खड्डा है, खड्डे में जाकर आप लोग जबरदस्ती तो गिरेंगे नहीं, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि इंसान मजबूरी में वहां चला जाता है। जैसे हम लोग खेलते हैं, खेलते खेलते छूटते हैं, हम लोग छूटते हैं, कोई गाड़ी के पीछे छूटता है, कोई कहीं छूटता है, कोई छत पर छूटता है, ठीक है, तो समझ गया ना। ये देखने के बाद आपको मेरी बात का पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। Hide from there, then when he see all guys.
car. Then he opened the door. He opened the door and he go. We don't want to cap. That's why they want to leave themselves and they want to leave this. Well. Daunting to be cap. So in the end. ये मुझे बताओ आपने जो भी फिल्म देखी इसका आपने निष्कर्ष क्या निकाला क्या करना चाहिए आज घर पे कौन सी लैंग्वेज बात करते हैं मराठी हिंदी बोल रहे हिंदी में यार डर गया जी रहने दो पहचाना आपने कौन है मूवी बॉय इसका बड़ा प्यारा नाम है यार मूसा मलिक राइट से हेलो आइसक्रीम भी शांति से खाया ठंडा ठंडा गले में नहीं डाला
ठंडा ठंडा पानी गले में मत डालो, गर्म करके डालो मुंह में भर के, तो हेल्दी रहेंगे। अभी आपके जितने भी टीचर्स हैं आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, है ना, इज्जत करते हो, क्योंकि वो मेहनत करके आपको सिखाते हैं। डरने की बात नहीं है, कोई डरता नहीं है, टीचर तो अपने माँ बाप सबके वो इतना पढ़ता था, इतना क्या करता था, लेकिन जब मार देने गया नंबर कितने आए, नहीं 52। वो सोच भी रहा है, तो एक काम में एक ही काम हो सकता है, दो काम ही हो सकते हैं, या तो पढ़ाई कर लीजिए या खेल लीजिए। तो अपन को क्या करना है, आखिर तो उसको ये एहसास हुआ कि मैं थोड़ी देर में इतना परेशान हो गया। उसके बाद उसने जो मोमेंट को कैद करके रखा था उसको अपने तकलीफ का एहसास हुआ, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया, आजाद कर दिया। तो हर इंसान के बारे में सोचो, जितना अच्छा अपने बारे में सोचते हैं उतना ही अच्छा दूसरे के बारे में भी सोचो और दूसरे का भी भला सोचो। इसमें यही मैसेज आता है। एक बार सोहेल फिदाई साहब इसके डायरेक्टर है और हमारे सभी गेस्टों के लिए एक बार दिल से ताली बजा दो जरा प्लीज। थैंक यू। क्यों क्या तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, मस्का है मस्का, बोले तो एक काम छका। थैंक यू। अनिल जी और लेफ्ट या एक बार नीचे करके सर, एक नीचे आगे आने दो, आगे फेस के आगे, या हाँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन वन डे। थैंक यू चिल्ड्रंस। चलो बाइक का थैंक यू सब करो। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, बात करेंगे? सच बताऊं इट्स नॉट अ इवेंट, एक सोच थी हमारी कि आज़ादी के पहले दिन पहली शाम हम एक ऐसी सोच बच्चों में डालें, क्योंकि ये एक ऐसी जनरेशन है, इन्हें अगर आज प्रॉपर राह दी जाए तो ये कल का उभरता सितारे हैं। उस सोच को हमने इस तरीके से कंपाइल किया कि आज़ादी आज हम सब के लिए ज़रूरी है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट एट लार्ज। आवाम को ये समझाना ज़रूरी है कि खाली हम बात ना करें, हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमें देश पर गर्व हो, देश को हमारे पे गर्व हो। इस दिलों पे क्या मैसेज देती है सर, आप एक मिनट हमें साफ कर देंगे कि अलग से क्या कहना चाहिए सर, एक मिनट प्रो अरे एक मिनट सर, क्या मैसेज देती है आपको? मैसेज बड़ा सिंपल और प्यारा है, आज़ादी आज हर किसी के लिए ज़रूरी है, खाली इंसानों के लिए नहीं, हर किसी के लिए, एवरी ह्यूमन, एवरी पर्सन, हर इंडिविजुअल, जो भी शख्सियत है, आज पक्षी है, जानवर है, इंसान है, हर किसी को आज़ादी पसंद है। आज हम किसी को बांधे नहीं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें, उन्हें खुला छोड़ें, लेट देम नो व्हाट द वर्ल्ड इज़ अबाउट, लेट देम फ्लाई, ये एक थॉट सोच है। बिल्कुल पूरे जोश जुनून के साथ करेंगे। आज जो फ्रंट पर जो आज जवान शहीद होता है उनको ये मैसेज देना चाहेंगे हम कि वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनके परिवारों के लिए हम सब इकट्ठा हैं, हम खड़े हैं उनके परिवारों को देखने के लिए, संभालने के लिए, देश उनके साथ में है, वो आगे बढ़ें, हम उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। टाइम है उसमें, इस इंडिपेंडेंस डे पर हमने एक फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्रीडम, शॉर्ट फिल्म है बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हमने इस फिल्म में बताया है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है जहां पर उसकी वो पूरी सोच बदल देते हैं, एक्चुअली तो वो कुछ इस तरह का कुछ काम करता है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देता है लोगों को। तो आई फील फ्रीडम
हमें जो मिला है बहुत मेहनत से मिला है। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो मेहनत की थी, तो वो ही चीज़ आज हम अपने कंट्री में देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल होना चाहिए वैसा नहीं है। तो हम वही एक मैसेज देना चाह रहे थे कि फ्रीडम किसी तरह से भी हो सकता है। तो माई मैसेज इज दिस इंडिपेंडेंस, स्प्रेड लव, पीस एंड हैप्पीनेस। बस मैं शुक्रगुजार हूँ एम्पल मिशन का, अनिल मुरारका जी का, कि वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं हमें और वो हमेशा सोशल काम में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन्होंने ये एक जिम्मेदारी मुझे दी थी कि हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और वो हमेशा कुछ ना कुछ एक मैसेज या एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो सोशल वे में रिलेवेंट हो। तो बस वही कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ फिल्म बनाने की। और इसके बाद हमारी एक अगली फिल्म आ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, जो भी एक वेरी सोशल और स्ट्रांग मैसेज है। होप सो आप लोगों को पसंद आएगी वो, जैसे इस फिल्म को आपने पसंद किया। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशील पांडे है और मैं बाय प्रोफेशन एक्टर हूँ। आप लोगों ने कुछ फिल्मों में देखा भी होगा मुझे। थैंक यू। सी फिल्म की जो वन लाइन टैग लाइन अगर मैं बोलूँ जो मुझे समझ में आया, कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हम जहाँ भी लाइफ में पहुँच पाते हैं जो भी कर पाते हैं वो अपने सोच से कर पाते हैं। तो इस फिल्म के ज़रिए सोहेल जी ने जो एक थॉट आई थिंक कैप्चर करने में बहुत अच्छा काम किया है वो है सोच से स्वतंत्रता। तो एक लाइफ में कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कोई बच्चे के साथ और उसके बाद उस बच्चे पे जो इफ़ेक्ट होता है, जो उसकी सोच बदलती है, वो है स्वतंत्र, वो है सब कुछ, जो इस फिल्म का आई थिंक क्रक्स ऑफ द फिल्म है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा वही लगा कि जो सोच है वो। या या मेरा नाम मीनू सिंह है और मैं पिक्चर बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा मैसेज है फ्रीडम के लिए, कि बच्चों को ये सिखाया गया है कि फ्रीडम कैसी होती है, कैसे किस तरह से मिलती है और इतनी मुश्किलों के साथ मिलती है। और जैसे हम छोटे से पक्षियों को हम लोग कैसे अपने घर में पिंजरे में डाल देते हैं, कई बहुत सारे लोग और शायद मुझे पसंद नहीं है वो, और उनको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो कितने उड़ते हैं और खुश होते हैं। इसी तरह से बच्चे भी हैं, बच्चे अगर वो कार में जैसे बंद हो गया, उसको जैसे किसी मुश्किलों से बाहर आया और उसके बाद जो खुशी मिली, उसके बाद जो फ्रीडम मिली, वो बहुत वही एक चीज़ है, वही फ्रीडम। और यही हमारा इंडिपेंडेंस डे पे भी इसीलिए मनाया जा रहा है कि फ्रीडम के ऊपर। और जितने मैं कहना चाहूँगी, जितने लोगों ने शहीदियाँ दी हैं इस फ्रीडम के लिए, उनको मैं बहुत ज़्यादा सल्यूट करती हूँ और सबको इस इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद देती हूँ। थैंक यू।